हमें ये भी तो समझना होगा कि फिर वो सुख कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा। इसको समझने के लिए हमारे ग्रंथों में बताया गया, वेद में कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 14वां मंत्र, उठो जागो और महापुरुषों के पास जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करो। क्यों, क्या हम वेदों के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते? ईश्वरीय ज्ञान क्या वेदों के द्वारा हम नहीं जान सकते? क्योंकि वेद में ही एक मंत्र है, ना वेद विन्मनुते तम बृहंतम, शाठ्यायनी उपनिषद। जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। इसका मतलब जो वेद को जानता है वो भगवान को जान सकता है। हाँ, लेकिन वेद में ही एक बात और भी लिखी है, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद, छठवें प्रपाठक के 14वें खंड का दूसरा मंत्र। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, अगर तुम वेदों को समझना चाहते हो तो अपनी बुद्धि के बल पर वेदों को नहीं समझ सकते, गुरु के द्वारा समझो, आचार्य के द्वारा समझो। क्यों, क्योंकि वेदो नारायण साक्षात, भागवत कहती है, भागवत के छठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। ये वेद तोता मैना की कहानी नहीं है, वेदो नारायण साक्षात, ये वेद साक्षात नारायण है, स्वयं भगवान है। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे, भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। वेदा ब्रह्मात्म विषया, वेद में कहा गया, वेद के लिए भागवत कहती है कि ये वेद ब्रह्म के समान है, ब्रह्म के ही मानो स्वरूप है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः, भागवत के 11वें स्कंध के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक। ये वेद साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं, इनको कोई मनुष्य क्या समझेगा? सरस्वती बृहस्पति भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकते। सरस्वती बृहस्पति की छोड़िए, स्वयं ब्रह्मा जी भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ पाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। आदि कवि ब्रह्मा भी वेदों को नहीं समझ सके, फिर भगवान ने अपनी स्पेशल पावर दी तब ब्रह्मा जी वेदों को समझ पाए। क्यों, क्योंकि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, भागवत के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 44वां श्लोक। वेदों में परोक्षवाद है। परोक्षवाद माने शब्दार्थ
कुछ है, भावार्थ कुछ और है। यानी शब्द तो कुछ लिखा है, कहीं तो वेदों में जीव को ब्रह्म कह दिया, कहीं प्राणों को ब्रह्म कह दिया है, आकाश को भी ब्रह्म कह दिया है। तो आप क्या समझेंगे? क्योंकि शब्दार्थ तो कुछ और है, उसका सेंस कुछ और है। इसे कहते हैं परोक्षवाद। इसलिए हम अपनी बुद्धि के बल पर वेदों को पढ़कर और ईश्वर का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कैसे करेंगे? वही आचार्यवान पुरुषो ही वेद, गुरु के द्वारा वेदों के अर्थ को समझो। गुरु बताएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। फिर प्रैक्टिकल भी गुरु ही करवाएगा। फिर साधना पथ में जो कठिनाइयां आएंगी उनको भी गुरु ही सुलझाएगा।